तो हेलो गाइस, स्वागत है और एक मैंने वीडियो में। एंड मैंने कुछ दिन पहले कमेंट बॉक्स डाला जिसमें मैंने तुम लोगों को पूछा कि तुम लोगों क्या रिप्ले मोड के साथ ऑक्टिफाइन चल रहा। तो तुम लोगों में से ज्यादातर का कमेंट था नहीं चल रहा, इसके लिए वीडियो बनाओ। तो वो वीडियो आ चुका है एंड तुम देखो कि मेरा इसमें चल रहा है। ये रहा जो कि 1.20 है, उसके साथ ये देखो रिप्ले मोड, ठीक है। ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है, कोई फेक वाला वीडियो नहीं है, मतलब फेक वाला क्लिप मैंने उठाया नहीं है, तो चल रहा। पर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था पर अभी ये कुछ लोगों का वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तुम लोगों को दिखा दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को क्या आ रहा, क्या क्रैश आ रहा, तो मैं तुम दिखा दूंगा। और ये देखो सेटर कैसा है, मस्त वाला सेटर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को जो इसका प्रॉब्लम है तुमको दिखा रहा हूँ कि तुम लोगों को कैसा आ रहा, क्रैश हो रहा, ठीक है। एंड मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है, तो तुम लोग को मैं आराम से बता दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है और थोड़ा मुश्किल भी है, ठीक है। हाँ, और तुम लोग सोच रहे हो कि ये मोड का प्रॉब्लम है, एंड इसमें कोई मोड का प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई नोटिस नहीं करता। तो सबसे पहले तुम लोग बता दो कि तुम्हें रिप्ले मोड के साथ चलने के लिए तुम्हें कुल एपीआई चाहिए, और कुछ लोगों का फेब्रिक एपीआई में चल रहा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों कमेंट भी देखा क्योंकि उन लोगों का फेब्रिक एपीआई में चल रहा और कुछ लोगों का कुल एपीआई में चल रहा, ठीक है। तो अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम यह कि फिर भी लोग क्रैश हो जा रहा। तो इसका मैं दिखाता हूँ जो कि प्रॉब्लम लोगों क्या आ रहा, ठीक है। ये रहा पोजल लॉन्चर और ये रहा फैब्रिक, ठीक है, ये फैब्रिक है। एंड जब मैं इसमें प्ले करता हूँ, ठीक है, अभी इसका जो इसका प्रॉब्लम क्या, ठीक है। तो सबसे पहले गेम ओपन होने के वेट करते हैं, एंड जो कि तुम यहाँ देख सकते हो ये हो गया हमारा क्रैश। और शेयर लोग को क्लिक करते हैं तो ये डिफॉल्ट है, इसको छोड़ो, ये कुछ नहीं है। पर इसमें क्रैश होने का रीजन क्या है वो भी तुमको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, यह तो बहुत कॉमन है पर इसके बारे में कोई नोटिस नहीं करता। एंड इसका प्रॉब्लम है फैब्रिक लोडर, ठीक है, इसका फैब्रिक लोडर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने अलग फैब्रिक लोडर के साथ ट्राई किया, जब मैंने ओल्ड फैब्रिक लोडर के साथ ट्राई किया तो आराम से गेम ओपन हो गया। मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फैब्रिक लोडर इंस्टॉल करना, जो कि फैब्रिक लोडर हमें इंस्टॉल करना वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन सा हमें इंस्टॉल करना है। हमें पहले ऐसे इंस्टॉल जार पे क्लिक करना है। हाँ, तुम्हें फैब्रिक इंस्टॉलर का लिंक तुम्हें कमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या तुम पोजेब के डायरेक्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दबाया, उसके बाद कट किया, ओके, उसके बाद ये रहा माउस। एंड मैं तुमको दिखाता हूँ, ये है 12.20.4, इसको नहीं करना, 1.20.1 ये वाला, ठीक है। उसके बाद तुम लोग जो खेल रहे हो लेटेस्ट वाला, ठीक है, लेटेस्ट वाला है, एंड सब लोग ये खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको करना है ये वाला जो कि 24 वाला 0.14.24 में, चलो अच्छा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा वेट करना क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बस हो जाएगा, बस एक कुछ सेकंडों का होता है, ठीक है। हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उसके साथ मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये रहा, इसको ओके कर देते हैं। और अब तुम देखो अभी ये चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो फेवरेट लोड इंस्टॉल किया उसको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, तुम्हें ये देख लेना, ये वाला करना है 0.14.24 ये वाला करना, ठीक है, उसको चुनना है। और तुम जिसमें तुम जो भी चुन सकते हो, जिंग भी कर सकते हो, होली भी कर सकते हो, अभी ये चलने वाला, ठीक है, अभी भाग मत जाना, इसका रीजन मैं तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तुम वीडियो को पूरा देख कर जाना, ठीक है, उसके बाद तुम्हें प्ले करना है। अभी तुम लॉग देखो, आराम से कोई क्रैश प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मुझे लगता है खुल गया, देखो अभी पूरा खुल गया, एंड मैंने कोई वीडियो कट नहीं किया, ठीक है, तुम्हारे सामने, ठीक है। अभी देखो माउस ऑन करते हैं, एंड अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, एंड जो कि हमारा गेम ओपन हो चुका, एंड वो भी तुम देखो 1.20.1 में। पर इसका प्रॉब्लम है कि इसका फैब्रिक लोड है, जो कि इसका फैब्रिक लोडर बहुत ही मतलब नया हो चुका है, लेटेस्ट हो चुका है, जो कि पोजल लॉन्चर का इंजन है ना वो थोड़ा अपग्रेड नहीं किया, तो यही रीजन हो सकता है, मुझे यही लगता है, ठीक है। और तुम देख लो ऑक्टिफाइन है, मेरा सेडर्स का ऑप्शन, एंड ये रहा रिप्ले मोड का ऑप्शन, ठीक है, ये 0.00 सेकंड का है, ये 6 सेकंड का, मतलब 6 मिनट का, ठीक है। देखो रिप्ले मोड है, एंड इसका कुछ, एंड इसके साथ मैंने कुछ मोड ऐड किया जो कि है बेस्ट डिस्प्ले, एंड इसका भी लिंक तुम्हें कमेंट मिल जाएगा, ठीक है। माइनक्राफ्ट मोड में ऑक्टिफैब्रिक ऑक्टिफाइन मतलब मर्ज है, ठीक है, इसको छोड़ो। एंड मैं तुमको कुछ वर्ल्ड में जाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड माने तो इसको जाते हैं सिंगल प्लेयर में जाएंगे, ठीक है। नहीं, मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, ठीक है, फास्ट कर देता हूँ पर कट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग शक बहुत होता है, ठीक है ना। एंड देखो हमारा वर्ल्ड अभी ओपन हो चुका है, ये वाला, ठीक है, ये रहा वर्ल्ड, एंड ऑक्टिफाइन है, ठीक है, तुम देख लो, ठीक है, कोई कट नहीं किया, ऑक्टिफाइन है, रेंडर को बढ़ा देता हूँ अभी के लिए 4, देखो चल रहा, ओके, कोई क्रैश प्रॉब्लम नहीं है, बस फैब्रिक लोडर का प्रॉब्लम था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एबीएस के बात करते हैं तो हम एबीएस दबाते हैं, और एबीएस हमारा 120 के आसपास आ रहा है क्योंकि होली रेंडर है, उसके साथ साथ ये फ्लैट वर्ल्ड भी है, ठीक है, तो एबीएस आ रहा, ठीक है। और ये रहा ऑक्टिफाइन के साथ, ठीक है, अभी बात करेंगे सेडर के साथ, क्या शरीर के साथ रन करेगा, हाँ करेगा, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको जिंक के साथ आना होगा, तो बैक कर लेते हैं एंड जिंक के साथ आते हैं। तो ठीक है, हम जिंक के साथ आ चुके हैं, और देखो एबीएस की बात करें तो एबीएस हमारा आ रहा है 20.80 के पास आसपास आ रहा, और ये रहा हमारा कम्प्लीमेंटर, सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, और हमारा लग चुका है, और इसको डन करते हैं, वो डन करते हैं, और देखो सेडस, और तुम देखो इसमें सेडस भी जा रहा है, और एबीएस तो एल लगे पर, ठीक है, 8-7 के आसपास आ रहा है, कभी कभी 9-10 पहुंच जा रहा है, ठीक है। और इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि
रिकॉर्डिंग में हो रहा फुल एचडी में, ठीक है। हाँ पर इसका जो रात में जो उसका रिफ्लेक्शन ना बहुत अच्छा है, तुम यहाँ देखो जो उसका रात में रिफ्लेक्शन पूरा मतलब रिफ्लेक्शन कर रहा, देखो इसका ही नहीं और इसका और एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। मैंने वो दिखाता हूँ सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं। अभी तुम देखो कैसा हुआ, ठीक है, इस सीरियस में, ठीक है। अभी तुम बादल देखो, अभी तुम देखो पानी की बूंदें देखो, ठीक है, मतलब पानी जैसा मतलब गड्ढे से रुक जा रहा है ना, वो तुम देखो, वो देखो पानी की बूंदें देखो, मतलब कैसा मतलब अच्छा दिख रहा है। देखो पॉजिटिव पिक्चर में इसमें कैसे पानी की बूंदें कैसे इकट्ठा हो जा रहा है, तुम देखो इस तरह का मुझे यही अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे लेगा देखने को मिल रहा, हाँ एबीएस वाट करे तो एबीएस 860 के आसपास मिल रहा, ठीक है। तो मैंने तुमको रिप्लेमेंट के साथ ऑप्टिफन चला के दिखा दिया, वो भी 1.20.1 में, तो तुम लोग को बिलीव हो गया होगा कि चलता है। पर इसमें पॉलिमिंग क्या था, फैब्रिक लोड है, तो तुम फैब्रिक लोड को ध्यान से देख लेना कौन सा, ठीक है, तुम्हारा आराम से वर्क कर जाएगा। हाँ पर उसके तुम्हें सेम मोड चाहिए, ठीक है, तो ऑक्टिव फैब्रिक और रिप्लेमेंट पेज वाला, ठीक है। कुछ लोग पता है कुछ लोग नहीं पता है, तुम लोग कोई सा भी रिप्लेमेंट या ऑक्टिव फैब्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। तुम्हें वही वाला ऑक्टिव फैब्रिक और रिप्लेमेंट लगाना है, नहीं तुम्हारा ओपन नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं फैब्रिक लोडर, तुम्हें ओल्ड वाला फैब्रिक लोडर लगाना होगा, यानी कि तुम्हें बहुत ओल्ड वाला लगाओ तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। बस तुम ये लगा सकते हो या उसके आसपास जो है तुम उसको लगा सकते हो, पर तुम लेटेस्ट वाला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये था वीडियो जो कि बहुत आसान था, हाँ ये आसान भी नहीं था और ये उतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि इसके बारे में कोई नोटिस नहीं करता फैब्रिक लोडर के बारे में, बस हो गया, ठीक है। तो चलो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।